जो हम योगा को समझते हैं वो हम समझते हैं तो जो हम पोजेस को देखते हैं, एक्सरसाइजेस को देखते हैं, वो सिर्फ पॉस्चुरल मेडिसिन है, पॉस्चुरल थेरेपी है, योगा का एक पार्ट है। लेकिन एक्चुअल योग क्या है? एक्चुअल योग है हमें जोड़ने का नाम। योग की अगर हम मीनिंग बात करते हैं तो मतलब है यूनियन, यानी कि मिलाप, यानी कि मेल, संयोग, जोड़। किससे? हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सृष्टि, परमात्मा से। तो एक्चुअल योग सब चीजों से जोड़ने का नाम है। और जो योग से जुड़ जाता है ना, वो उसके जीवन में पूरा का पूरा बदलाव आ जाता है। खाली योगा की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं या हम सिर्फ कुछ आसन करते हैं तो वो एक तरह का, जैसे आप जिम जा रहे हो या आजकल जो एक्सरसाइज करते हो बस उतना ही है। लेकिन अगर एक्चुअल योग है तो वो पूरा का पूरा वर्णित है अष्टांग योग में। यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, आसन, समाधि, प्रत्याहार। तो ये सब जो हमारे योग की जो 8 अंग जिसको बताया गया, अष्टांग योग में बताया गया है। और ये पतंजलि ने बड़े अच्छे से समझाया है। और मेरा भी सौभाग्य है आज आप लोगों से मिलने का, इसी बहाने मुलाकात हो गई। तो मैं आपको कोशिश करूंगा सिर्फ वो सब बताने की जो आप रोज कर सकते हो, क्योंकि योग आप रोज घर पे करते हो। और कुछ ऐसी बातें जो हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी क्लिनिक्स में रोज प्रैक्टिकल देखते हैं कि हार्ट अटैक पड़े तो क्या करें, पैरालिटिक अटैक पड़े तो क्या करें, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो क्या करें। अब एक छोटी सी बात ही है, मान लो आप कहीं भी घूम रहे हो या घर पे ही हो, किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो आप क्या करोगे? आप फोन करोगे, एम्बुलेंस को बुलाओगे या कुछ भी कोशिश करोगे, घर में एस्पिरिन की गोली पड़ी है वो ढूंढोगे। अब मान लो ब्रेन स्ट्रोक पड़ोगे तो क्या करोगे? तो ये छोटी छोटी बातें जो हम रोज प्रैक्टिकल करते हैं, मेरा मकसद होगा कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा कुछ करते जाएंगे और साथ साथ मैं आपको कुछ थोड़ा सा गाइड करता जाऊंगा ताकि आपको भी जीवन भर में वो चीजें काम आए। तो जो आप घर पे करते हो योगा, प्राणायाम करते हो, या जो हम पोजेस देखते हैं वो सब आसनों के अंदर आते हैं। तो जब हम बिल्कुल शांत बैठते हैं, नॉर्मल चौकड़ी लगा के बैठते हैं, तो इसको हम सुखासन बोलते हैं, ठीक है। और सुखासन में हम जब ये, इसके साथ मुद्राओं का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये सब, ये ध्यान मुद्रा इसको बोला गया। ये जो उंगली है और अंगूठा आप टच करते हो, ये इतना वंडरफुल प्रभाव करती है कि हमें मालूम नहीं है। जैसे अपने एक सुना होगा, अपना हाथ जगन्नाथ, सुना है ना? तो अपने हाथ को ही हम चाहें तो इस हाथ से ही ना हम पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ऐसे करो हाथ को, आप लोग शुरुआत करते हैं, ये वाली उंगली जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको ऐसे पकड़ के प्रेस करना है। ये पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी इसको मतलब धरती, फिर अब छोटी उंगली जल, अंगूठा अग्नि, वायु, दबाना भी है इसको साथ साथ, और ये बड़ी उंगली आकाश। ये 5 तत्व हैं जो हमारी बॉडी में अगर बैलेंस हो जाएं तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। और इनको बैलेंस करने का सबसे बड़ा सूत्र इन 5 उंगलियों में ही है। तो एक बार कर लेते हैं प्रैक्टिस, फटाफट शुरू करते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मैंने आपको 5 तत्वों के नाम बता दिए। अब इनके मंत्र हैं। इसका जो धरती का मंत्र है ये है लम। तो हम मंत्रों के साथ करते हैं इसको, तो मेरे साथ बोलेंगे फिर आगे है जल, इसका क्या है? वम, वम। फिर अंगूठा है अग्नि, इसको बोलते हैं रम, रम। फिर ये आई हमारी कौन सी उंगली? वायु, ये है यम, इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। तो यम, फिर बड़ी उंगली जिसको हम आकाश तत्व तो बोलते हैं, इसका मंत्र है हम, है और ऊपर बिंदी, हम।
ये जो आपने पहली उंगली दबाई थी जिसको धरती हमने बोला, ये मूलाधार चक्र का मंत्र है, ये रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। मैं आपको दो ऐसी क्रियाएं सिखा रहा हूं, कुछ नहीं कर सकोगे ना सिर्फ वही कर लेना तो भी गाड़ी चल जाएगी। तो पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, 5 एक्सरसाइज का सेट बता देता हूँ जो आप रोज नियम से करोगे तो छोटी मोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, और खाली आपकी प्रॉब्लम हेल्थ वाइज ठीक नहीं होगी, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, और किसी को नींद नहीं आती होगी, डिप्रेशन होगा, एनजाइटी होगी, थकान रहती होगी, उन सब में भी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कमर सीधी करेंगे, चौकड़ी मार के कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, हमने पेट के नाभि के निचले हिस्से को अंदर खींचना है, ठीक है? यस, स्ट्रेच, खींचो अंदर और खींचो, इतना खींचो, इतना खींचो दुखने लग जाए, और खींचो, और खींच के ही रखना है उसको, छोड़ना नहीं है, और खींचे हुए पेट को ही और खींचना है, और खींचो, रिलैक्स। आप आयुर्वेद में सुनते हो ना कि 80-90% बीमारियां पेट से होती हैं, पेट से बोल दिया, पेट में क्या, पेट में क्या चीज से होती है? नाभि इंबैलेंस, जिसको आप धरन पड़ना बोलते हो, या आंतों के अंदर मल चिपक जाना, या आंतों में इंफेक्शन हो जाना। तो ये हमें पेट को सेट कर लिया तो लगभग 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब पेट सेट करने का मतलब, लोग सोचते हैं सिर्फ पेट साफ होना, पेट साफ होना उसका एक आयाम है, हमारी एनर्जी को बैलेंस करना, यानी कि नाभि चक्र को। तो ये नाभि चक्र को, जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, उसको सेट करती है। यस, एक बार फिर करते हैं स्ट्रेच। इसको आप ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे घुटनों पे हाथ रख के भी कर सकते हो। खींचो अंदर पेट को, और खींचो, और खींचो, और खींचो, चेहरा नहीं खींचना, फेस रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स। इतना खींचना है कि दुखने लग जाए। 8 बार करेंगे इसको हम। यस, एक बार फिर स्ट्रेच, खींचे पेट अंदर, और खींचे, और अंदर, और अंदर, और अंदर, रिलैक्स। एक बार और, पेट के नाभि के निचले हिस्से को अंदर खींचेंगे। यस, स्ट्रेच, और खींचो, और अंदर, और अंदर, और अंदर, खींचे हुए पेट को ये और खींचते जाओ अंदर, और फेस पे हल्की सी स्माइल रहेगी, रिलैक्स। आप कपाल भाती में तो सिर्फ पेट को ऐसे ऐसे करते हो ना, तो कपाल भाती भी यही है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो निचोड़ है, कि कुछ नहीं करने का टाइम मिला तो बस यही कर लेंगे अपन। यस, एक बार और स्ट्रेच, खींचे अंदर इसको पेट को, और खींचे, और अंदर, और अंदर, और अंदर, और अंदर, रिलैक्स। एक बार और स्ट्रेच, पूरा जोर लगाओ पेट खींचने में अंदर, रिलैक्स। आप इस क्रिया को घर पे करोगे, आंख बंद करके करोगे, ज्यादा फायदा होगा। और सांस का कोई ध्यान नहीं देना, बॉडी अपने आप इतनी इंटेलिजेंट है, वो अपने आप सांस को एडजस्ट कर लेती है। कई बार हम सांस के ध्यान के चक्कर में क्रिया गलत कर लेते हैं। आप बॉडी पे भरोसा रखो, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको अपने आप पता है कि मुझे कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है। तो लास्ट बार करते हैं, एक बार और स्ट्रेच, खींचे अंदर, और अंदर, और अंदर, रिलैक्स। तो ये थी पहली क्रिया जिसको हमने पेट को अंदर खींचा, टोटल 8 बार करना है इसको हमने।